Hello everybody, very very good afternoon to you all, and I'm back again with yet another chapter of CBSE class 7th. तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं chapter number 6 of CBSE class 7th की textbook which is honeycomb. So I hope बच्चों this channel class apart is really giving you an awesome experience. और अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ ना सिर्फ मेरी वीडियोस से सभी एजुकेटर्स की वीडियोस से काफ़ी कुछ लर्न किया है एंड दीज वीडियोस आर रियली प्रूविंग हेल्पफुल फॉर यू ऑल. सो हियर आई एम गाइस विद येट अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल फॉर यू ऑल. तो हम लोग जो है बच्चों आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि आपकी हनी कूम का जो है चैप्टर नंबर 6 है और उसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. हम लोग ये चैप्टर आज करने वाले हैं. मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देती हूँ इस चैप्टर का कि बेसिकली ये स्टोरी है किस टाइप की. तो एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी है एंड दिस स्टोरी काइंड ऑफ टेल्स बताती है हमें ये पता चलता है स्टोरी से यू नो वी ऑल हैव अ हिडन डिटेक्टिव इनसाइड अस एवरीबडी एज किड्स. तो दैट डिटेक्टिव इज इवन शार्पर एंड एज वी ग्रो अप द डिटेक्टिव जस्ट बिकम्स अ लिटिल डल बट वी ऑल हैव द डिटेक्टिव इनसाइड अस राइट. तो वही जो डिटेक्टिव है वैसे ही टाइप की फीलिंग्स हम लोग कई बार ऐसा होता है हमारे सामने कोई ना कोई सिचुएशन होती है और हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पका के कुछ ना कुछ उस सिचुएशन से निकाल लेते हैं. अरे नहीं मुझे लगता है कि ये ना शायद ऐसा है. नहीं 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 मुझे लगता है वहाँ उस घर में ना वहाँ पे वो जो हुआ मेरे को लगता है शायद इसलिए चल रहा है. सो यू नो दीज आर थिंग्स विच जस्ट हैपन इन आर माइंड एंड दीज आर थॉट्स दैट डेफिनेटली क्रॉस आर माइंड एंड स्पेशली एज किड्स. तो माई गॉड वो डिटेक्टिव कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता है. तो वैसे ही ये जो स्टोरी है भाई बहन के बारे में है. दो भाई बहन है, एक का सिस्टर का नाम है माया और भाई का ब्रदर का नाम है निषाद. घर में उसको सेवन भी बुलाते हैं. सो बस ये इन दोनों की जो है स्टोरी है और इन्होंने अपनी ही एक खिचड़ी पकाई हुई है एक बंदे के बारे में जो कि इनकी लोकेलिटी में रहता है जिसके बारे में इनको एब्सोल्युटली कुछ भी आइडिया नहीं है. अपने ही डिटेक्टिव्स ये बने हुए हैं एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ क्रैक the mystery. They formulated a story कि शायद ये ऐसा नहीं ऐसा है and all of that and they just try to crack the story and that's what is happening. ये हम जो है छोटी सी story है ये हम we will go ahead and read about it. So बच्चों most welcome to your English educator session. But before we go ahead I want to tell you all that you all can ace your school exams with an Academy की plus subscription and don't forget to use my code SOS10 to go ahead and buy this plus subscription. चलिए बच्चों सो मोस्ट वेलकम टू योर इंग्लिश एजुकेटर सेशन. माय नेम इज सोनम सूदन एंड आई कम विद 4+ years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस. सो हियर आई एम बच्चों फॉर यू ऑल एंड यस वी आर गोना डू दिस चैप्टर नंबर 6 ऑफ हनीकॉम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. मैंने बता ही दिया है एंड हियर इट इज गाइज एन अकेडमी क्लास 6 का जो टेलीग्राम का लिंक है ये है वो टेलीग्राम लिंक एंड ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट होगा. अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू ऑल कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ ऑल दी सेशंस. एंड हियर इज ब्रिंगिंग फॉर यू ऑल बग्स बाउंटी. तो बग्स बाउंटी क्या है बच्चों, नाम बड़ा ही क्यूट सा है, बग्स बनी टाइप का नाम लगता है ना, बग्स बाउंटी है बच्चे. बग्स बाउंटी क्या है, अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Now what is an academy ask it out guys? तो ask it out क्या है, एक ऐसा फीचर है जहाँ पर आप घर बैठे बैठे पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स एनी टाइम थ्रू आउट द डे और आपको जवाब में मिलेंगे हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस वो भी इंग्लिश और हिंदी में. ठीक है, और आपको जो जवाब है वो बहुत इंस्टेंटली मिल जाएंगे. इमीडिएटली यू विल गेट योर आंसर्स एंड यू विल ऑल्सो गेट असिस्टेंस विद योर होमवर्क. यू कैन आस्क योर डाउट्स एनी टाइम थ्रू आउट द डे. देन आपको ये यूज़ कैसे करना है बच्चों, सो यू हैव टू गो टू द अन अकेडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क अ डाउट, क्लिक करिए आस्क अ डाउट पे. क्लिक करने के बाद में टेक अ पिक्चर और चूज इट फ्रॉम द गैलरी. ठीक है, सो आप एक पिक्चर चूज़ करें, मतलब अपने डाउट की एक पिक्चर चूज़ करें, फिर आप उसको क्रॉप करें ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो जाए. उसके बाद में बच्चों आप अपना सब्जेक्ट जो है मैच करें, यानी कि वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है वो क्वेश्चन आप मैच वो सब्जेक्ट मैच करें. उसके बाद में अपना क्वेश्चन भेज दें एंड विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. सो हियर इट इज़ बच्चो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. ये चैप्टर हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. दिस गाय इज निषाद और सेवन एंड दिस गर्ल इज माया. ये इसकी सिस्टर है, दोनों भाई बहन हैं. दोनों ने अपनी एक खिचड़ी पकाई हुई है इस सम थर्ड पर्सन के बारे में. ठीक है,
जिसके बारे में कुछ अपना ही दिमाग में फ्रेम कर रहे हैं कि शायद ये बंदा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो पंगा है इसमें, ही इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो देखते हैं कि ये अपना जो इनने डिटेक्टिव एजेंसी बनाई हुई है अपने दोनों बंदों ने मिलकर, उसमें ये बेसिकली किस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। सो लेट्स गो अहेड। ओके, एज वी वॉक्ड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेट, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, but did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि सेवन और माया के बीच में, सेवन जैसे मैंने आपको बता दी इज द ब्रदर, माया इज द गर्ल, दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है और सेवन बोल रहा है कम से कम वो एक मॉन्स्टर तो नहीं लगता है वो बंदा, अभी हमें पता नहीं उस बंदे का नाम क्या, ठीक है, कम से कम एक मॉन्स्टर तो नहीं लगता, पर तुमने देखा वो बेचारा कितना पतला है, मे बी वो बहुत ज़्यादा गरीब है और शायद वो कुछ खाने को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मे बी दैट्स द प्रॉब्लम। नाउ माया कम्स अप विद द कमबैक, ही कांट बी पुअर इफ ही इज क्रूक ऑन द रन, ठीक है, इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, तो वो माया कह रही है भाई वो डेफिनेटली गरीब तो नहीं हो सकता, इफ ही इज अ क्रूक, क्रूक क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही बदमाशियां करता है, गलत काम करता है, उसको क्रूक कहते हैं, ऑन द रन यानी कि बचता भाग रहा है वो पुलिस से, उसको बोलते हैं ऑन द रन। आई टोल्ड हिम, तो माया बेसिकली ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ये माया नरेट कर रही है आपको, ठीक है। सो शी सेज आई टोल्ड हिम, तो माया बोलती मैंने बोला कि नहीं वो पक्का गरीब तो नहीं हो सकता, इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, He's probably got a millions of rupees stashed away somewhere in that room. Stashed away का मतलब होता है छुपाया हुआ, इकट्ठा करके stack करके रखा, छुपा के रखा। तो कहती है कि शायद उसके पास करोड़ों रुपए छुपे हुए हैं उस कमरे में। Do you really think he's a criminal, Maya? He doesn't look like one. Nishad looked doubtful. तो निषाद जो है वो doubtful लग रहा है और माया को बोल रहा है तुम्हें सच में लगता है कि एक criminal है? मुझे तो he just looked very very doubtful. Of course he is 17, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. Ab kya hua? Ab hume itna pata chal raha hai ki jis bechare bande pe ye apna story frame kar rahe hain, uska naam hai Mr. Mehta. तो माया कहती है कि पर मिस्टर मेहता ने तो हमें कहा था, तो एनी हाउ वो अब ना हम इन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही है, माया को कंप्लीट डाउट है कि मिस्टर मेहता कोई ना कोई बदमाश है, और सेवन जो है ही इज़ नॉट वेरी कन्विंस, उसको नहीं लगता है कि कोई बदमाश है, उसको लगता है बेचारा कोई गरीब सा बंदा है और ये ऐसे ही शक कर रही है उस पर, ठीक है। सो शी सेज Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meal up from the restaurant downstairs. So क्या बोलती है कि रमेश ने तो मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया था कि उसका जो मील्स हैं वो रमेश लेकर आता है, जो नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ से रमेश रोज उसके मील्स लेकर आता है। तो देन निषाद से बट यार उसने तो हमें बोला था कि वो कहीं पे काम ही नहीं करता, तो वो रेस्टोरेंट से फूड कैसे खा सकता है। तो देन माया कहती एग्जैक्टली मैं भी ये बात बोल रही थी, हाउ मच he must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in that room, it's possible it's full of silver and gold and jewels and to kehti exactly main bhi ye baat bol rahi thi, agar uske paas paisa hi nahi hai to wo jo restaurant se khana kaise order karte hai, ho sakta hai is kamre mein wo rehta hai wahan pe usne khoob sara paisa bhara hua hai, shayad uske paas heere moti diamonds and sab kuch bhara hua hai. Okay, let's go ahead. What rubbish, nishad kehta kya bakwas kar rahi ho tum, I know I'm right, stupid, I told him. By the way, Seven, did you see his scars? I couldn't. It was too dark. But I bet he got them during the shootout with the police or something. तो वो कहती है कि निशाद तुमने उसके मुंह पे स्कार्स देखे, स्कार क्या होते हैं, दाग, तुमने वो दाग देखे हैं उसके मुंह पे, वैसे तो बहुत अंधेरा था तब मैं देख नहीं पाई, बट डिड यू सी दैट दो स्कार्स, मेरे को लगता है कहीं ना एक शूट आउट इज लाइक एन एनकाउंटर जो कि पुलिस और चोर के बीच में चल रहा होगा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसका कोई एनकाउंटर चल रहा था और वो स्कार्स उसको तभी हुए। तो देन निषाद सेज मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे आर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली, परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड, सेवन लुक्ड अनश्योर। तो अब क्या हुआ,
वो बोलती है कि भाई नहीं मेरे को तो नहीं लगता है, वो निषाद कहता है मुझे तो नहीं लगता है कि वो स्कार मार्क्स हैं, मम्मी ने क्लियरली बोलता वो बर्न मार्क्स है, उसको शायद कहीं ना कहीं वो जल गया है कुछ तो ऐसा हुआ है। तो फिर माया कहती कि हो सकता है कि शायद पुलिस एनकाउंटर को पुलिस ने उसका घर जला देना पड़ा बाहर निकाले के, हो सकता है उसको तब हुए वो स्कार्स। ठीक है, अब ये सब कॉन्वर्सेशन चल रही है भाई बहन के बीच में। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Giragaon as I was spending the evening in a school with a school friend. When they returned, Nishad told me he'd been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. Even just one second, Mr. Mehta. ओके सॉरी, इस बंदे का नाम मिस्टर मेहता नहीं है, मिस्टर मेहता किसी थर्ड बंदे का नाम है, उस बंदे का नाम मिस्टर मेहता नहीं है। ठीक है, सो ओके, तो अब ये बोलता है इस बंदे का नाम है मिस्टर नाथ जिस पे ये शक कर रहे हैं। तो अब बोलती है कि जो मंडे था उसके बाद जो कंजेक्यूटिव मंडे था, तो निषाद जो मम्मी के साथ में मम्मा के बर्थडे के बाद जो मंडे आया, निषाद मम्मा के साथ में क्लिनिक अकेले गया और वापस आते हुए क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, तो वापस आते हुए मम्मी के साथ में जब वो वापस आया तो उसने बोला कि ही हैड बिन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बिन देयर। तो वो कहती है कि वो जो है वो अकेले मिस्टर नाथ को देखने चला गया उनके घर पर, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैं वहाँ पे नहीं थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. Gaunt is डरावनी। तो वो बेचारा सेवन जो है बड़ा ही ज़्यादा अपसेट था मिस्टर नाथ की, जो मतलब उस बूढ़े इंसान की जिस पे शक कर रहे हैं उसकी डरावनी अपीयरेंस है, वो काफ़ी अपसेट था। तो उसको लग रहा था शायद वो बेचारा स्टार्व कर रहा है, भूखा मर रहा है। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." ठीक है, तो कहता है कि निषाद वापस आकर सुनाता है इसको कि मैं वहाँ पर गया, मैंने मिस्टर नाथ को का दरवाज़ा नॉक किया और बोला जल्दी से अपना दरवाज़ा खोलो। ठीक है, द मैन हैड ओपन्ड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो वो कहता है कि जैसे ही उस बंदे ने दरवाज़ा खोला तो उसने क्या बोला मिस्टर नाथ ने, बोला कि तुम्हारा क्या एक और कोई मार्बल घूम गया है जो मेरे घर पर ढूंढने आया। ठीक है, He had obviously recognized my father. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. तो निषाद क्या कहते हैं, निषाद किस बहाने से उसके घर जाता है, वो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा कोई मार्बल नहीं घुमा है, बस वो उस बंदे का हाथ लेता है और उसके हाथ में, थ्रस्ट का मतलब रख देना, जोर से रखना, तो वो एक चॉकलेट का बार उसके हाथ में पकड़ा देता है। तो अब माया उसको पूछती है, डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन आई आस्क्ड। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. But I could find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. तो कहते हैं कि नहीं नहीं यार, मुझे तो मैं कुछ नहीं देख पाया, उसने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोला मिस्टर नाथ ने, बट मैंने कुछ इंटरेस्टिंग तो किया है, मैं तुम्हें बताऊँ। तो मैं वहाँ पे जिस रेस्टोरेंट से वो खाना मंगाता है, मैं वहाँ पे रमेश से बात करने गया था जो कि उसका खाना रोज़ लेकर जाता। तो फिर माया खुश हो जाती है कि गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, डिटेक्टिव आई सेड पैटिंग हिम ऑन हिज बैक। तो पैट मतलब ऐसे प्यार से सहला। तो कहती मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आई होप तुमने उसको सही से क्वेश्चन किया है। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो रमेश ने बोला कि वो उसके लिए दो मील्स लेकर जाता है, एक सुबह एक शाम को, और दो कप्स ऑफ टी लेकर जाता है, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून। दो कप्स ऑफ टी लेकर जाता है, एक सुबह के लिए एक शाम के लिए, और दो मील्स लेके जाता है। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, ही ऑलवेज इट्स ऑलवेज द सेम फूड, टू चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। तो रमेश ने ये इन्फॉर्मेशन दी यू नो सेवन को कि भाई वो जो है जो बंदा है वो रोज़ रोज़ सेम खाना ही ऑर्डर करता है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बस वही दो फुलके, दाल और कुछ सब्जी, और यू नो अपना जो भी बिल है वो पूरा का पूरा कैश में पे कर देता है, और टिप भी बहुत अच्छी देता है। टिप का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कहीं पे जाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह कहीं भी आप कुछ खाने के लिए जाओगे, तो अगर आपका मन करेगा आप वहाँ के जो काम करने वाले हो तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते हो, उसको कहा जाता है टिप। तो कहते हैं कि वो रमेश ने बताया सेवन को कि भाई वो टिप बहुत बढ़िया देता है। ओके, रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, सेवन एडेड।
ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम ही इज टॉल फेयर स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टिकल्स रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स तो रमेश ने अभी एक और इन्फॉर्मेशन दी है सेवन को और वो बड़ा खुश हो रहा है उस इन्फॉर्मेशन को कह रहा है कि रमेश ने मुझे बताया कि हर संडे को वो दो लंच एक के बजाय दो लंच कैरी करता है मिस्टर नाथ के लिए क्योंकि उसके घर में एक बंदा आया होता है जो बेसिकली लंबा है और मोटा है और स्पेक्स पहनता है फेयर है और बहुत बातें करता है और वो ही इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू मिस्टर नाथ तो अब क्या होता है बोलती है वेल डन निशाद आई टोल्ड यू बहुत अच्छा किया Now that we've made some progress with our inquiries, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. तो वो कहती है कि भाई अब क्योंकि हमारे पास खूब सारी इंफॉर्मेशन हो गई है तो अब हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियरली सॉर्ट आउट करेंगे ठीक है ताकि हम उस क्रुक को ट्रैप कर सकें How do you go on? How you do go on Maya? तो वो कहते हैं कि तुम कैसे अभी आगे क्या करोगे इतनी इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें मिल गई है हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक ही लुक्स सो ऑर्डिनरी तो वो कहते हैं तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो एक चोर चक्का ये दिखने में तो बड़ा ही ऑर्डिनरी इंसान है तो वो कहती है क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी आई रिटॉर्टेड रिटॉर्ट का मतलब होता है वापस जवाब देना डिड यू सी द पिक्चर ऑफ दैट हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे ही लुक्स लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट निशाद लुक डाउटफुल तो वो कहती है कि भाई जो क्रिमिनल्स होते हैं ना दिखने में नॉर्मली लगते हैं ऐसा कुछ नहीं होता इनकी कोई अलग सी शक्ल नहीं होती है अभी तुमने रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी एक हैदराबाद में किसी ने किसी का घर तोड़ा था तुमने उस बंदे की शक्ल देखी भी पर में बहुत ही ऑर्डनरी लग रहा था तो ये सारी बातें हुई भाई बहन अब क्या हुआ द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे ब्रोक द नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे मानसून स्टार्ट हो गई डार्क क्लाउड्स अकंपनीड बाई ब्लाइंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग Rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. Downpour क्या होता है बारिश इतनी ज़्यादा lightning हुई इतनी ज़्यादा मतलब thunder, lightning, बारिश बहुत ज़्यादा हुई और उनके स्कूल खुलने वाले थे उस दिन अक्सर ऐसा होता है ना vacations के बाद स्कूल खुलते हैं because summer vacations के बाद में rainy season होता है स्कूल खुलने वाले थे The school was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. तो हुआ ये कि basically बारिश की वजह से बहुत बारिश हुई, जिसकी वजह से उनको एक holiday मिल गया, छुट्टी हो गई. Okay. I thought I'd spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. I wrote in large block letters, catching a crook, expert detectives. निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड बाय अपॉइंटमेंट का मतलब होता है मतलब किसके लिए है ये बेसिकली सो बेसिकली वो कहती है कि मैंने क्या किया अब मेरे को क्योंकि छुट्टी हो गई तो मैंने कहा चलो अब मैं अपना दिन जो है एक यूजफुल तरीके से मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ तो वो गई अपने बेडरूम में बैठी और उसने एक शीट ऑफ पेपर लिया उसके ऊपर लिखा कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट तो उसने अपना टाइटल दिया अपनी जो टॉपिक हेडिंग दिया उसने हेडिंग क्या थी कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित निशाद और माया पंडित का नाम लिखा भाई बहन का बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड ओके देन आई बिगैन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर आधा घंटा हो गया उसको लिखते हुए अब अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी चिन कप्ड इन हिज पाम्स तो ऐसे करके सेवन जो है ऐसे करके लेटा हुआ था बेड पे उल्टा करते हैं ना यूजुअली दैट्स हाउ वी लाइक Reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तो वो क्या कर रहा है वो ऐसे करके उल्टा लेटा हुआ और उसका ऐसे करके हाथ जो है अपनी चिन में कप्ड है और सॉरी उसके हैंड्स कप्ड है और उसकी चिन अंदर है उनमें और वो कॉमिक्स पढ़ रहा है और बोलती तुम्हें सुनना है मैंने क्या लिखा तो he looked questioningly. तो वो मतलब ऐसे देख रहे कि ओके क्या लिखा है इट्स लाइक देयर वाज क्वेश्चन इन हिज आईज I've listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us trap him, I said. Want to hear? तो वो कहते हैं कि मैं कहती है कि मैंने सभी के सभी facts जो हैं Mr. Nath के बारे में वो लिख दिए हैं जो हमको पता है तो तुम सुन हो सकता है इन facts की मदद से हम उसको trap कर पाए तुमको सुनना है मैंने क्या लिखा है चलो तो सेवन कहता है ठीक है भाई सुना दो तो लिखती है बोलती है फैक्ट नंबर वन आई रेड
हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. तो फैक्ट नंबर वन, उसका नाम मिस्टर नाथ है पर हमें उसका फर्स्ट नेम तो पता ही नहीं है, वो हमें ढूंढना है अभी. डू यू थिंक इट्स हिज रियल नेम माया? निशाद आस्क्ड. प्रोबेबली नॉट, आई सेड. मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर मिस्टर नाथ. एलियस का मतलब होता है नकली आइडेंटिटी. तो वो कहते हैं कि माया तुम्हें श्योर है ही उसका असली नाम है मिस्टर नाथ? तो वो कहती है हो सकता है नहीं हो, बिकॉज बहुत सारे जो चोर चक्के होते हैं उन्हें ऐसी अपनी नकली आइडेंटिटी रखी होती है. तो देन फैक्ट नंबर टू, आई रेड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. तो फैक्ट नंबर टू उसने क्या लिखा है कि जो शंकर, जिस घर पे वो रहता है वहाँ के जो टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं, वो बोलते हैं कि वो काफ़ी पागल सा, अजीब सा और अनफ्रेंडली. नंबर थ्री, ही डजंट टॉक टू एनी वन इन एंड इज मैनरलेस. तो वो किसी से बात नहीं करता और वो बहुत बदतमीज है. ठीक है, तो ये देखो, ये है माया बैठी हुई है अपने टेबल पे, ये वो लिख रही है, और ये है निषाद लेटा हुआ है आराम से लेट के कॉमिक्स पढ़ रहा है, और ये इसने जो भी लिखी है ये उसको सुना रही है. ओके, बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट. निषाद इंटरप्टेड. अब निषाद जो है वो इतना डाउटफुल नहीं है, माया के दिमाग में ज़्यादा कीड़ा है, माया ज़्यादा राउंडफुल है. तो वो कहता है यार नहीं, मम्मा ने तो कहा था वो बड़ा पोलाइट है और उसने हमसे बात भी की थी. ओके, ही ओनली टॉक्स टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट. सो बेसिकली यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इनकी जो मॉम है शायद वो डॉक्टर हैं. तो वो कहती है कि क्योंकि मम्मा की वो मेडिकल ट्रीटमेंट में था इसलिए उसने हमसे पोलाइटली बात किया, अदरवाइज वो है बड़ा बदतमीज इंसान. ओके चलिए, अब देखते हैं फैक्ट नंबर फोर इसने क्या लिखा. Fact number four, he doesn't receive any letters. Seven noted. कोई letters receive नहीं करता. Number five, he's been living in room number 10 of Shankar House for more than a year. I continued. वो वहाँ पे एक साल से ज़्यादा हो गया उसको रहते हुए. Number six, he doesn't work and sits in his room all day. वो कुछ काम नहीं करता और पूरे दिन अपने घर में बैठता है. Number seven, the kids in Shankar House and even some of the grown-ups are scared of him. तो जो जितने भी बच्चे, जितने भी बड़े लोग आगे पीछे रहते हैं सब उससे डरते हैं. नंबर फोर, ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फैट, अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच. तो उसके कोई भी उससे मिलने नहीं आता एक्सेप्ट एक बंदा जो उसको संडे को मिलने आता है, जो बेसिकली स्पेक्स पहनता है, मोटा है और फेयर है. नंबर नाइन, food and tea are taken to him to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. तो चाय और खाना जो है वो रमेश लेकर जाता है नीचे एक रेस्टोरेंट वहाँ से. He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? Seven. So basically उसने 9 facts लिखे. ठीक है, पूरे सारे facts लिख दिए हैं कि वो tip देता है, कैश में अपने खाने की पेमेंट करता है, पूरे लिख दिए. भाई मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ? सेवन. तो बेसिकली अपने में डिटेक्टिव बनी हुई है. आप देखते हैं इनकी स्टोरी आगे कहाँ पहुँचती है, आगे किस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं. निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स. ऑल ही वुड से वाज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स. तो बेसिकली जो भाई है माया का वो तो ध्यान दे ही नहीं रहा है उसकी बातों पर. वो कहते हैं बेचारा आदमी, शायद उसके कुछ फ्रेंड्स ही नहीं होंगे, कितना लोनली है. तो वो कहती हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड. एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद. तो कहते हैं कि भाई, कहती है वो निषाद कहते हैं कि देन माया सेज कि भाई एक चोर इंसान के फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं. तो निषाद कहते हैं भाई एटलीस्ट एक फ्रेंड तो है जो उसको संडे को मिलने आता है. अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. Accomplice होता है भागीदार, यानी कि जिसकी उसमें contribution होती है. तो बोलती है मुझे लगता है फिर वो इंसान भी ना शायद Mr. Nath के साथ crime में मिला जुला है. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give a part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I'm sure I'm right. अब वो किस conclusion पे पहुंची है? मुझे लगता है कि शायद वो जो आदमी है ना, शायद वो मिस्टर नाथ के साथ में क्राइम करता है और वो आते थोड़े थोड़े दिनों के बाद आता है और कुछ कुछ हिस्सा जो है पैसों का उनको उसको देता रहता है. मुझे आई एम श्योर यही सच बात है. अब उसने एक और नई थ्योरी निकाल दी.
if you insist on calling him a Nishad kya bolte, if you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. तो वो कहते हैं यार अगर तुम उसको ज़बरदस्ती चोर बुलाना चाहती हो तो मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो उसको क्रिमिनल नहीं मानता। अगर वो इतना ही बुरा होता तो वो रमेश को इतनी अच्छी टिप्स क्यों देता? ठीक है, वो इतना पैसा देता है रमेश को भी फ्री में, व्हाट इज़ द पॉइंट? रमेश प्रॉब्ली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। तो कहती अब वो रमेश भी शक करी, शायद रमेश जो है वो उसके पास्ट के बारे में जानता है, इसलिए मिस्टर नाथ शायद उसको मुंह बंद कराने के लिए उसको कुछ ना कुछ पैसे दे देते हैं। निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स क्रॉस्ड टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, आई वाज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। तो अब निशाद ने इसे गुस्से से देख रहा है कि क्या है भाई, ऐसे करके उसने अपनी आर्म्स जो है चेस्ट के अक्रॉस क्रॉस करके उसको गुस्से से देख रहा है क्या? और माया कहती है मैं उससे बहुत इरिटेट हूँ। How can we make any progress with our investigation if you take that attitude, seven, I asked. तो कहती है कि यार हम कैसे ढूंढेंगे अगर तुम ऐसा है, अगर तुम उसी को इतना भला मनुष्य मानते रहोगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ाएंगे? सो बेसिकली माया फुल डिटेक्टिव मोड में और निशाद जो है वो इतना ज़्यादा शक नहीं कर रहा, माया कम्प्लीट शक कर रही है। ठीक है, तो अभी तक उनने ये सारी जो है कन्फ्यूजन्स निकाल लिए हैं, मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रिमिनल है, उसका जो बंदा उससे मिलने आता है वो उसका शायद जोड़ीदार है क्राइम में, रमेश जो है वो उसके पास्ट में के बारे में जानता है। सो बेसिकली इसने अपनी एक स्टोरी फ्रेम कर ली है जिसपे इसके ब्रदर को ज़्यादा भरोसा नहीं है। चलिए लेट्स गो अहेड। ये देखिए ये जो है आपस में ये बोल रही है, ये स्टोरी फ्रेम कर रही है, और ये जो है इस बंदे के बारे में वो ये इतना ज़्यादा मानता नहीं और ये गुस्सा हो चुकी है कि यार क्या है तुम मानते ही नहीं हो, मेरे को तो लगता है कि वो चोर है। Okay, I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said Seven. You really make me angry. तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे से कभी cooperate करूँगा अगर तुम ये अपने दिमाग से निकाल दोगे कि वो basically एक चोर है, मैं नहीं मानता ये बात। I almost shouted at him. तो कहती है मैंने एकदम उससे गुस्से से उस पर चिल्लाया। I make you angry, you stupid oaf, I shouted. तो कहती है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, यू ओफ का मतलब होता है बेवकूफ इडियट, यू स्टूपिड ओफ, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, यू मेड मी मैड, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ ही इजंट अ कुक, इफ यू थिंक ही इज नोबडी देन व्हाट इज द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें लगता ही नहीं कि वो चोर है, इस पूरी इंक्वायरी का मतलब क्या है, तुम मुझे पागल कर दोगे, तुम इडियट हो। ओके, निशाद लुक थॉटफुल। I'd like to find out why he's so thin and why he's so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. वो कहते हैं कि निशाद अभी भी शक नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसको शक नहीं है कि ये चोर है। वो कहते हैं कि what is the point? मतलब अगर तुम इतने ज़्यादा, मुझे लगता है कि मुझे जाके पता करना चाहिए कि वो बेचारा इतना अकेला क्यों है, इतना पतला क्यों है, बेचारा कुछ खाता क्यों नहीं है, ठीक है, why is he so lonely? तो कहते हैं सेवन कहते हैं ट्राई टू ओके देन माया सेज ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन आई टोल्ड हिम इफ ही लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर वो वहाँ पे रह के एक साल से उसने एक भी दोस्त नहीं बताया, कुछ तो पंगा है, कोई तो प्रॉब्लम है, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। तो कहती है मुझे पक्का श्योर है कि ये इसको कोई ना कोई तो डर है मन में कि कोई ना कोई इसको पहचान लेगा और इसको चोर के पास, इसको पुलिस के पास में पकड़ा देगा। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। तो वो क्या निशाद कहते हैं हो सकता है उसको उससे किसी ने दोस्ती की नहीं हो। तो निशाद बेसिकली बिल्कुल कन्विंस नहीं है दैट वो बंदा मिस्टर नाथ इज अ थीफ, इज अ क्रिमिनल। ओके, वाई शुड एनीबडी बॉदर, you've seen what a nasty bear he is, I said. तो वो कहती है किसी को क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए, वो इतना ऐसा अजीब सा बंदा है, कोई जाके उसे दोस्ती क्यों करेगा? तो निशाद कहता है आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद हिम। तो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो उससे डेफिनेटली दोस्ती करूँगा, मुझे वो बंदा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हा आर यू क्रेजी सेवन, आई सेड, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन विद यू, दैट यू इडियट? निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room.
तो कहते हैं तुमने उससे दोस्ती करनी है, तुम चाहते हो पुलिस तुम्हें भी पकड़ के जेल में डाल दे, क्या तुम पागल हो? तो और निषाद जो है वो गुस्से से कमरे से चला गया. एंड माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, यानी कि जो मैंने जो भी थ्योरी दी उससे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ना ही उसने वो मानी ना उसने वो फॉलो की, मतलब ही बेसिकली इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड एट ऑल. जी हाँ, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो चुकी है. बेसिकली स्टोरी बताने का यही मतलब है कि हम लोग सब अपने दिमाग में खिचड़ियाँ पकाते रहते हैं किसी ना किसी को देख कर. हो सकता है वो सच हो सकता है वो कम्प्लीटली बेसलेस हो, बट वी विल स्टिल फ्रेम दीज यू नो विल स्टिल फ्रेम सम ऑफ द अदर स्टोरी इन आर माइंड अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन. और वैसे ही ये स्टोरी है भाई बहन की आपस में, और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, होता है हमारे साथ. वेल आई होप ये आप सबको क्लियर हो गई हो. एंड अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और भी डिटेल करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइजेस करनी है, तो आपको क्या करना है? वेल यू हैव टू बाय द अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे आपको घर बैठे बैठे सीखने का मौका मिलेगा. देन आपको सभी कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगी, बहुत सारे फीचर्स हैं. गो अहेड एंड बाय. ये है इसकी प्राइसिंग, 24 months, 25,000, 18 months, 20,000, 15 months, 18,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यूजिंग माई कोड यू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट. देन बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स हैं? पर्सनल, बेसिकली सभी फीचर्स हैं प्लस के, उसके साथ में एक पर्सनल मेंटोर एंड अ लाइव डाउट सॉल्यूशन सेशन. और इसकी प्राइस क्या है? 24 months 48,000, 16 months 35,000. और इस पे इसके ऊपर भी आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड. डोंट फॉरगेट टू बाय इट. एंड बच्चो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SPSO10 टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज ऑन द अनअकैडमी ऐप. Thank you so much, bachcho. Bye-bye.